मैं टेक एंड हेल्प की जानिब से अगर आपको फोटो एडिटिंग पे इंटरेस्ट है, आपको फोटो एडिट करना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को पूरी पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और देखिए, सबसे पहले जो हमें इस इमेज का बैकग्राउंड हटाना है, इस बैकग्राउंड से हटाने के कई तरीके हैं, तो हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे कट आउट। ओके, सो कट आउट में हम लोगों को करना ये है कि जो जिस हिस्से की हमें दरकार है उस हिस्से पे बस हमको ये रेड जो ये आ रहा है उसको हम लोग को पूरा ये कर देना है। रेड लाइन जो आ रही है उसको हम लोग को पूरा इसमें मिल देना है, जिस हिस्से की हमें दरकार है बस। कट आउट में जो ये अगर आप थोड़ा बाहर भी कर देते हैं तो इसमें कोई बात नहीं होती, वो खुद ब खुद मेकअप कर लेता है, पर हमें ज़्यादा बाहर नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो उसके बाद ये जो एरो देख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। ये थोड़ा लूट लेगा। देखिए, ये बैकग्राउंड हो गया है तो हमें इसे सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो है हमें इसे इफेक्ट देना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे कलर्स पे। कलर्स पे क्लिक किए उसके बाद ब्लैक एंड वाइट पे। ब्लैक एंड वाइट पे एक और बार क्लिक करेंगे, ये सेटिंग ओपन होगा। इसे देखिए, हमें थोड़ा सा इसे शेड्स देना है कि इसके ब्लैकनेस थोड़ी नज़र आए। ओके, इतना ठीक है। उसके बाद इसके साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग वो जाना है ड्रॉ पे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये लेयर पे क्लिक करेंगे और एक लेयर लेने के बाद ये फोटो पे क्लिक करेंगे। ओके, और ये हम लोग बैकग्राउंड फोटो ले लेंगे। ये फोटो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ओके, सो एक और हम लोग वो लेयर चाहिए, एंट्री लेयर, उसे हमें कलर करना है वाइट कलर। सो हम लोग यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाइट कलर के पेज लेयर को सबसे नीचे लाना है और जो ये फोटो हम लोगों ने लिया है उसके लेयर को बीच में। तो फोटो और जो हमारा मेन फोटो है कैरेक्टर, वो सबसे ऊपर रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसे ये करते हैं, हाइड करते हैं। उसके बाद हमें ये जो फोटो है इस फोटो को बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना होगा। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करने के बाद हम इसे बड़ा कर लेते हैं, जितना आपको चाहिए उतना बड़ा कर लीजिए, जस्ट इतना ही रखते हैं। ओके, फिर साइन पे क्लिक किए, फिर हम इसे ओपन करते हैं जिस फोटो को हमने हाइड किया था। फिर उसके बाद इसको भी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सॉरी इस पर क्लिक करना है, जिस फोटो को क्लिक करना है आपको उस पर ट्रांसफॉर्म, जिस फोटो को आपको ट्रांसफॉर्म करना है यानी कि छोटा या बड़ा करना रहा तो उस पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन पे गए और ट्रांसफॉर्म, ये देखिए। उसके बाद इसको जस्ट थोड़ा छोटा करना है, ये इस तरह कर देते हैं। सही रखते हैं, इस पर क्लिक करके ये एरो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नॉर्मल है इसको स्क्रीन पे सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे सेलेक्ट करते ही ये निकल आएंगे, तो इस लेयर को वापस से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बड़ा छोटा होगा, हमें जिस तरह पे चाहिए हमें बस उस तरह इसे सेट कर लेना है, जिस पोजीशन में चाहिए जिस एंगल में चाहिए अब आराम से सेट कर सकते हैं इसको। जैसा आपको अच्छा लगे, सेट कर लेने के बाद दोस्तों सिंपली इसको साइन आउट ये करेंगे और ये हो गया हमारा फोटो कलेक्ट। उसके बाद इसको सेव कर लें, हो गया। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी बात हो अब इसका मुझे कमेंट पे लिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता कर पाऊँ। इस मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।